अब बच्चों आपसे इस क्वेश्चन में कहा है एक रेक्टेंगुलर शेप में प्लॉट है, ये रहा बेटा आपसे कहा है ये स्कूल बनाने के लिए रिजर्व किया गया है, आपको बेटा उसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है 11:4। आपसे कहा है इसके चारों ओर फेंसिंग की जानी है, फेंसिंग किस रेट से, तो उन्होंने कहा 100 रुपए पर मीटर के रेट से फेंसिंग करना है। टोटल फेंसिंग का खर्चा कितना आया मतलब लागत या कॉस्ट, तो उन्होंने कहा 75,000। आपसे क्या पूछा है, आपसे बेटा इस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ पूछा है। सबसे पहले बेटा आपको लेंथ और ब्रेथ का रेशियो देखना है, तो बेटा सबसे पहले लेंथ आप मान लीजिए 11x, रेशियो 11 है तो लेंथ हो गई 11x और ब्रेथ क्या हो जाएगी बेटा 4x। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ आपको पता चलेगी। सबसे पहले बेटा आप समझिए कि यदि आपको फेंसिंग करना है इसका मतलब आपको क्या पता करना होगा, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर पता करना होगा। तो सबसे पहले वही पता करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आयत का परिमाण वह होता है 2 × length + width। 2 length बेटा आपको पता है 11x और ब्रिथ बेटा 4x। ठीक है, अब मैं इसे हटा देती हूँ, ये 2 इनको जोड़िए, 11x में 4x जोड़ोगे 15x, 2 का 15 में मल्टीप्लाई 30x मीटर है। ठीक है, ये क्या निकली, पेरीमीटर निकला, परिमाप निकला। अब बच्चों हमें पता चल गया कि आखिर कितनी लंबी बागड़ लगने वाली है, फेंसिंग लगने वाली है। अब बच्चों हम कॉस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट इक्वल टू होता है पेरीमीटर इनटू रेट। आपको कॉस्ट दे रखी है 75,000, पेरीमीटर बेटा 30x और रेट कितना है 100। ठीक है, 30 को और 100 को बेटा दूसरी तरफ ले जाओ, डिवाइड में चला जाएगा, 75,000 ये बेटा 30 और ये बच्चों 100 डिवाइड में चला गया। अब बच्चों दो जीरो से दो जीरो कैंसल, इधर एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 3 के टेबल से कैंसल कर लेते हैं, 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, x इक्वल टू आया बच्चों 25। ठीक है, हमें बेटा लेंथ पता करना है, लेंथ कितनी है 11x, तो लेंथ 11x, तो 11 × x की जगह बेटा आप 25 रख दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे 275 मीटर। अब बच्चों ब्रेथ निकाल लेते हैं, वो कितनी है 4x, ब्रेथ 4x, 4x की जगह बेटा 25 रखिए, मल्टीप्लाई करोगे 100 मीटर। इस तरह से बेटा आपको जो प्लॉट दे रखा था उसकी लेंथ आई 275 मीटर और ब्रेथ आई बच्चों 100 मीटर।